हाँ तो फाइनली दोस्तों लेनोवो ने कल चाइनीज मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन लेनोवो लिगोन वाइस 70 को लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों इसी फोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इस फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया गया है और क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं। सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हो तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में तो गाइस यहाँ पे बॉक्स टाइप का डिजाइन दिया गया है और देखा जाए तो 2022 में यही डिजाइन ट्रेंड कर रहा है। अब ऐसा कहने का कारण ये है कि अब तक जितने भी स्मार्टफोन 2022 में लॉन्च हुए हैं वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन में बॉक्स टाइप का ही डिजाइन देखने को मिला है और वो चीज यहाँ पर भी कंटिन्यू की गई है। आगे पीछे ग्लास लगा हुआ है जिसके ऊपर मैट फिनिश देखने को मिल जाते हैं। टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और नीचे की तरफ यहाँ पे लिगोन की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रेम एल्युमिनियम का है जो कि इसके डिजाइन को बहुत ही प्रीमियम बना देती है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास लगा है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। तीनों साइड के बेजल्स यहाँ पे काफी पतले दिए गए हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के हैं। तो ओवरऑल फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये फोन 7.99 mm थिक है और 205 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 6.67 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले दिया गया जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 144 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 1500 Hz का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों ये फोन HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पे 1000 nits की ब्राइटनेस भी दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। जब भी आप इस फोन से कॉन्टेंट कंज्यूमिंग करोगे या फिर गेमिंग करोगे तो HDR10+ सर्टिफाइड होने की वजह से ये कलर्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा, पंची बना देगा और ग्राफिक्स भी काफी अच्छी होगी। तो कंटेंट कंज्यूमिंग करने में यहाँ से मजा आने ही वाला है। इसके अलावा 144 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 1500 Hz का टच सैंपलिंग रेट होने की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन से काफी स्मूथ रहेगा। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट के साथ ये फोन लॉन्च किया गया है जो कि अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है तो सिंगल चार्ज में इस वाले फोन से आप अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एडनो 730 का GPU लगाया है और 3.19 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है तो सभी तरह की गेमिंग भी बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। साथ ही दोस्तों इसके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे लेटेस्ट रैम और स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। LPDDR5 का यहाँ पे रैम दिया गया एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। रीड एंड राइट स्पीड भी इस फोन की काफी अच्छी होगी। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, लेनोवो के कस्टम स्किन GUI 13 के ऊपर रन करता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है, NFC का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस वाले फोन में वाइपर कूलिंग चैम्बर भी लगा है। इसके साथ ही हैप्टिक के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी दिए गए हैं। 3.5 mm जैक एंड HD कट का स्लॉट यहाँ पे नहीं दिया गया है लेकिन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5100 mAh की इस वाले फोन में बैटरी दी गई है जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो नॉर्मल यूजर्स को डे टू डे लाइफ में ये बैटरी लगभग 2 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल के देगी। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 68W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अब लास्ट में अगर कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा 50 MP का है जो कि सोनी का IMX766 का सेंसर है और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी दिया गया है जो कि इसके स्टेबल वीडियो एंड फोटो कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पे 13 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है एंड 2 MP के यहाँ पे डेप्थ सेंसर दिए गए हैं और सेल्फी के लिए यहाँ पे 13 MP का सेल्फी कैमरा लगा है। तो कैमरा सेटअप ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता ना ही खराब कहा जा सकता है। HDR पैनोरमा नाइट मोड ये सारे कैमरा फीचर्स इस वाले फोन में दिए गए हैं और इसके रियर कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब अगर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसे 8GB 128GB 12GB 256GB एंड 16GB 512GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस चाइना में 2970 युआन रखी गई है जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 35,000 होती है। सेकेंड मॉडल को 40,000 में लॉन्च किया गया एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 50,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो पॉसिबली इसकी प्राइस इंडिया में 40-45,000 के बीच रखी जाएगी अगर लॉन्च होगा तो। इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कुछ भी चीज़ें कन्फर्म नहीं करी गई है और मुझे लगता भी नहीं है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा क्योंकि लेनोवो के फोन पिछले काफ़ी टाइम से इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल के आएंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।